रिमझिम फुहार आने लगी। मन आह्लादित हो उठा, लगा मानो आज मेघ गर्जना के साथ दामिनी से उलझ गया। कभी मेघ गरजते, कभी दामिनी चमकती, लगा मानो प्यार की चुलबुली हरकत कर बैठे दोनों। ऊपर देखा तो मेघ ने दामिनी से शरारत भरे अंदाज में अट्टास के साथ अटखेली खेली, तो दामिनी ने भी चमक दमक के साथ मानो एक बार तो मेघ को चकाचौंध कर दिया। देख उनकी अटखेलियों को पवन ने भी शिरकत की, खूब जली पुरवैया। लगा मानो मेघ और दामिनी कहीं छिप न जाएं। पर आज दोनों को कहां मंजूर था अपने बीच कोई तीसरा। झट से मेघ ने रिमझिम फुहार की, झड़ी लगा दी, भगा दिया पवन को। मेघ बोला, तुम ना आओ बीच हमारे, आज तो अटखेलियां करने दो, दामिनी को खिल खिलाकर हंसने दो। तुम क्यों बीच हमारे आती हो पवन, नहीं है आज मेरा मन तेरे साथ चलने को। ओ पवन सुनो, कम से कम आज तो तुम दामिनी को दमकने दो, मुझे भी खिलखिला के हंसने दो। जाओ पवन, नहीं है आज मेरा मन।